A very warm hello to all my students, specially to my girl students. ये एक बहुत special video है जो मैंने बनाया है अपनी girl students के लिए. देखा जाए तो year on year, every single year data ये कहता है, medical records ये कहते हैं, research ये कहती है that young girls and more of them are suffering from polycystic ovarian disease, PCOD, जिसको हम PCOS, polycystic ovarian syndrome भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं होती है बट मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पीसीओडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स यंग गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं, ताकि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है यू कैन गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड अप एंड फ्रॉम अ टीचर फ्रॉम अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू देन आई विल टेल यू कि आप यू नो ऑब्वियसली व्हाटएवर योर डॉक्टर विल से व्हाटएवर योर केयर गिवर विल से वो तो आपको करना ही है बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ. सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज अ डिजीज इसमें आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर मल्टीपल सिस्ट फ्लूइड फिल्ड सिस्ट आपकी ओवरीज के अंदर बन जाती हैं. कैसे पता चलता है कि किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज है? एक तो पीरियड्स बहुत इरेग्युलर हो जाते हैं. Right, so 1 month you will have period. Obviously, don't worry if your periods are irregular, because when your periods are starting और शुरू के एक दो साल कई बार वो irregular रहते हैं. It takes some time for them to regularize. But यहाँ पर periods बहुत irregular हो जाते हैं. Periods extremely painful होते हैं. Right? Now irregular periods 1 महीना हुआ, 3 महीने नहीं हुए, 4 महीने नहीं हुए, कई बार 5-6 महीने नहीं हुए, फिर 15-20 दिन एक साथ हुए. That is the kind of irregularity. Extreme pain, उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा. Certain amount of discomfort is okay, but extreme pain. Weight gain बहुत ज़्यादा होता है. खा इतना नहीं रहे हो. Disproportionate weight gain to your diet. आप exercise भी थोड़ी बहुत करने की कोशिश कर रहे हो. आप move कर रहे हो. You have an active lifestyle. इतनी ज़्यादा आपके dietary intake भी नहीं है, but फिर भी there is an extreme level of weight gain. You do have a lot of acne vulgaris. Right, that means आपको pimples की problem बहुत ज़्यादा है. Apart from that, mood swings and other things, which is also a teenage thing, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रही. तो अगर ये 3-4 problems से आप suffer कर रहे हो, you have to go show yourself to a doctor. It could be polycystic ovarian disease. हो सकता है that you are suffering from PCOD. Now, sometimes doctors कुछ medicines कुछ चीजें आपको दे देते हैं which are again not good. तो research के हिसाब से ऐसी 4-5 चीजें जो आपने avoid करनी है अगर आप already diagnosed भी हो PCOD से, तो वो क्या है? Number one, stop taking any hormonal tablets. And अगर आप ले भी रहे हो, along with your parents, go to the doctor and talk to them. क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल, देखो वैसे ही एक हार्मोनल प्रॉब्लम है. इतनी छोटी एज में अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स या हार्मोन थेरेपी, कई बार यू नो डायबिटीज वाले ड्रग्स भी, बिकॉज ये जो पीसीओडी के जो हार्मोन्स हैं ये सेल्स में डायबिटीज रिसेप्टर्स के साथ भी अफेक्ट करते हैं. इट कैन बी अ रियली बैड कॉकटेल. इतनी मिक्सिंग एंड बॉयज दिस लेक्चर इज फॉर यू ऑल्सो सो दैट यू कैन टेल योर सिस्टर्स और यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट. तो अगर आप हार्मोनल ड्रग्स ले रहे हो वो सिर्फ वो उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसको ऊपर से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है. इट इज अ बिग नो नो एंड यू मस्ट कंसल्ट अनदर डॉक्टर. यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर अलोंग विद योर पेरेंट्स. बट एट सच अ यंग एज टेकिंग हार्मोनल टैबलेट्स व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज अ वेरी वेरी बिग नो नो. नंबर टू, प्लीज अवॉइड एनी पैकेज्ड फूड. आपकी हेल्थ को आपको अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा. आप होल फूड्स खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल स्प्राउट्स, घर में बना हुआ खाना, सुबह ब्रेकफास्ट में उपमा पोहा चिल्ला परांठे जो मर्जी खाना खाइए. बट ये चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, राइट, एनी प्रोसेस्ड फूड जो हम बाजार में देखते हैं सुपरमार्केट्स में मिलता है, हेल्दी कहा होता है उसको देखिए, उसमें कितना ट्रांस फैट है देखिए, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं देखिए, उसमें सोडियम कितना ज्यादा है देखिए. सो ऑल पैकेज्ड फूड इज अ बिग big big no for you. Bahar ka bhi oils which are not good are is very very big no for you. So ye packaged food aapne bilkul nahi khana hai. Number three, you have to start living a active lifestyle, because hormones
कि जहां भी प्रॉब्लम आती है एक्टिव लाइफस्टाइल उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है हार्मोन के रिसेप्टर्स को, सेलुलर रिसेप्टर्स को, मीडिएटर्स को. सो प्लीज इंश्योर आप एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल, आपने कहीं जाना है थोड़ा सा चलने की कोशिश कीजिए 20 मिनट्स. आई एम नॉट सेइंग आप दो दो घंटे सो एक्सरसाइज कीजिए, मैराथॉन्स भागिए, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट लीडिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू. नंबर फोर, प्लीज इंश्योर कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी है. आप रात को यू नॉट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू अ ब्लू स्क्रीन, बिकॉज स्लीप इज अ टाइम जब बॉडी रिक्यूपरेट करती है, जब बॉडी हील करती है, जब बॉडी अपने आप पर काम करती है. दैट इज दी ओनली टाइम दैट हैपन्स ड्यूरिंग स्लीप. सो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल. अपनी किराना लेने जाने, कहीं बाहर जाना है, कॉलेज से थोड़ा सा चलकर बस स्टॉप तक आना है, राइट? सो अवॉइड जस्ट टेकिंग अ लिफ्ट और यू नो सिटिंग इन ऑटो बस ऑल द टाइम. थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल, 15-20 मिनट सुबह वॉक कर लिया, थोड़ा सा वेट्स उठाना शुरू कीजिए, राइट? सो योर मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज. सो प्लीज इंश्योर कि एक्टिव लाइफस्टाइल और स्लीप बहुत ज्यादा अच्छी. एंड नंबर 5, द किलर हियर इज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. जितने भी हॉर्मोन्स प्रॉब्लम होती है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है. सो एंग्जाइटी स्ट्रेस ऑल्दो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट फॉर दिस यू कैन do some meditation exercises. Yoga is very very helpful. You can also do some breath work, pranayama exercises. अगर कोई योगा क्लास वगैरह, कोई मेडिटेशन क्लास, कोई प्राणायाम क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इट कैन बी एक्सीलेंट एंड इट कैन रियली लीड टू अ लॉट ऑफ हीलिंग, राइट? नेचुरोपैथी इज डेफिनेटली बेटर देन एलोपैथी फॉर डिक्रीजिंग एंग्जाइटी, स्ट्रेस, यू नो ऑल दीज थिंग्स. ये बहुत एम्पलीफाई करते हैं हॉर्मोनल डिसऑर्डर्स को. सो ये रहे एक तरफ पीसीओडी के सिम्टम्स, एंड ये रहे कि आप यू नो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आई एम नॉट गिवन अ मेडिसिन टू यू, वो तो आपको आपका डॉक्टर देगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई एंड फॉलो दीज 4-5 थिंग्स एंड यू विल सी अ ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट. टेक केयर. रिमेंबर योवानी मैम इज ऑलवेज देयर विद यू, ऑलवेज ऑलवेज सपोर्टिंग यू. So, ये रहा मेरा Instagram handle. कोई problem है, you can always reach out to me. This is my Telegram account. And don't forget to like, share, subscribe. God bless you everyone. Take care. Bye.